यूपी में एक आईएएस अधिकारी के घर के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जो यूपी की राजनीति में तहलका मचाने वाला है। एक अधिकारी जिसका सरकारी घर है, लेकिन उस सरकाकारी घर के अंदर धर्म का धंधा चल रहा है। बकायदा लोगों की भीड़ जुट रही है, भाषण दिए जा रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे पर एक अधिकारी का कबूलनामा। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति एक सीनियर आईएएस अधिकारी है और ये कोई मदरसा नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी का सरकारी बंगला है। एक ऐसा अधिकारी जो यूपी सरकार में भी बहुत बड़े पद पर काबिज है, वो मौलानाओं की तरह भाषण देते हैं। जरा सोचिए, ये सब कुछ एक सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कह रहे हैं। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन 1985 बैच के आईएएस हैं, अभी यूपीएसआरटीसी यानी परिवहन विभाग के चेयरमैन हैं। वीडियो कानपुर का है लेकिन अधिकारी के फिलहाल लखनऊ में पोस्टिंग है। लेकिन एक आईएएस न सिर्फ यहाँ किसी मौलाना की तरह व्यवहार करता है बल्कि इनकी मौजूदगी में दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम भी किया जा रहा है। इसी बयान के बाद आरोप है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की तरफ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए संवाददाता संजय त्रिपाठी अब सीधे आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के घर पहुंच गए। सबसे पहले ये वीडियो दिखाया। ये कहां का है? ये बता रहे कानपुर का है। जब आप कमिश्नर थे ये बता रहे हाथ बैठे। अच्छा, ये कहे वीडियो है सभी 4-5-6 वीडियो इस तरह के बारे में। देखिए अब ऐसा है कि जुमे वगैरह के लिए तो आदमी जाता ही है ना, ग्रुप वगैरह में जाता है ऐसा कहा कि धर्म परिवर्तन करा रहे थे। काफी नानुकू करने के बाद बार बार पूछने पर आखिरकार आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने कबूल कर लिया ये वीडियो उन्हीं का है। अच्छा, ये हाँ ये अभी ठीक है तो क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वीडियो तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने मान लिया लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि वीडियो में वो कुछ गलत कह रहे हैं। इतने बड़े पद के अधिकारी के इस वीडियो पर यूपी की सियासत गर्म हो सकती है। सरकार ने भी ये जानकारी हासिल कर कार्रवाई का भरोसा जताया है। क्या सर, इसके मामले की जांच की जाएगी? में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जांच की जाएगी, गंभीरता से इसको लिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होता है वो संविधान से बंधा हुआ होता है, उसका पूरा कमिटमेंट जो भी है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ होता है। कोई भी अधिकारी, आप सरकारी बंगला हो या सरकारी बंगला ना भी हो, कहीं पर भी वो इस तरीके की सरकारी सेवा में रहते हुए कोई अधिकारी इस तरीके का काम नहीं कर सकता और उसको नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोई अधिकारी इस तरह सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो संविधान को सर्वोपरि माना है। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 में इस पर गाइडलाइन है, कोई भी अधिकारी अपने धर्म को मानने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आजाद है, लेकिन कोई अधिकारी खुलेआम धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। धर्म या मजहब का प्रचार करना किसी अधिकारी का काम नहीं है। धार्मिक विवाद और दूसरे धर्म को नीचा भी कोई अधिकारी नहीं दिखा सकता।
देश में बरगलाकर धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसको लेकर अब तक बहुत सी गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी सरकारी आला अधिकारी की भूमिका इसमें सामने आई है। देखना यह है कि अब सरकार का रुख क्या होता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, किसी भी अधिकारी से, और वो भी इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो केवल संविधान के हिसाब से चलेंगे, धर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन जो ये वीडियो आया है कई सवाल खड़े करता है। अभी तक क्या हुआ है और क्या जांच की बात हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव हैं, बहुत बड़ा पद होता है, UPSRTC के चेयरमैन हैं। ऐसे में इफ्तिखारुद्दीन के जो ये वीडियो वायरल हुए हैं उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए हैं, और जिस तरह के ये वीडियो सामने आए हैं उसके बाद में कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर पुलिस को जांच दी है और कहा है इस वीडियो की सत्यता की जांच करें। और शासन में भी हमने बात करी तो हमारे सूत्रों का ये दावा है कि इस बारे में आला स्तर पर चर्चा करने के बाद में शासन स्तर से भी जाँच शुरू की जाएगी। और इफ्तिखारुद्दीन चूँकि सरकारी अधिकारी हैं लेकिन वो रहते नहीं हैं सरकारी बंगले में, चंद्रा अपार्टमेंट जो एक प्राइवेट कॉलोनी है वहाँ पर वो रहते हैं। मैं उनका घर दिखाना चाहूँगा, वो फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ आप नीले रंग का टॉवल देख रहे हैं वो इफ्तिखारुद्दीन की बहन का घर है और इफ्तिखारुद्दीन यहीं पर रहते हैं, लेकिन आज इस वक्त ये मौजूद नहीं है। हैरानी की बात है, जिस तरह के वीडियो उनके वायरल हुए हैं उनमें साफ तौर पर धर्म विशेष के लिए अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल में देखा होगा आपने ATS ने किस तरह की गिरफ्तारियां की, जिनमें धर्मांतरण करने वाले और धर्म विशेष के प्रति बरगलाने वाले लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनके बारे में जानकारी की जा रही है। और ये भी जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये इफ्तिखारुद्दीन की मर्जी से उनके आवास पर बनाए गए थे, जिससे कि इनको कुछ देशों में भेज करके। हालांकि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।